असम से एक मुख्यमंत्री महोदय आए हैं, बता रहे हैं घुसपैठ घुसपैठ घुसपैठ। मेरे हाथ में, मैं आजकल झारखंड में नक्शा लेके घूम रहा हूं और यहां मीडिया के भी साथी मौजूद है। ये मेरे हाथ में नक्शा है भारत का। मैं चैलेंज करता हूं हेमंत बिश्व शर्मा को और अमित शाह जी को कि आए भारत का नक्शा देख लें और इस नक्शे में झारखंड देख लें और बताएं कि ये जो झारखंड की सीमा है वो किस देश से जाके लगती है और इसमें घुसपैठ कैसे हो सकती है। जब किसी देश में दूसरे देश से जाके इसकी सीमा लगती ही नहीं है तो किसी दूसरे देश से घुसपैठ कैसे हो सकती है। ये झूठे लोग हैं, ये धोखेबाज लोग हैं, ये यहां झारखंड में खड़े होकर के भी यही बात करेंगे और जब महाराष्ट्र जाएंगे तो वहां भी यही राग अलापेंगे, क्योंकि इनके पास मुद्दे नहीं है। जितने मुद्दे थे उस पर ये बेनकाब हो चुके हैं। इन्होंने नारा लगाया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। याद करो वो दिन इरबा वालों के हाथरस में जब एक दलित बिटिया के साथ बलात्कार हुआ और रात के 2 बजे उसकी लाश जला दी गई इसलिए ताकि सबूत मिटाए जा सके। याद करो वो दिन कि जब पहलवान बेटियां ओलंपिक मेडल लाने वाली बेटियां जंतर मंतर पर अपना हक मांग रही थी तो उनको दिल्ली पुलिस ने किस तरह घसीटा था। याद करो वो दिन कि जब देश का प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर पर 15 अगस्त को खड़ा होकर के खवातीन के लिए महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के भाषण दे रहा था तो उसके महज 2 घंटे बाद गुजरात में बिल्किस बानो के बलात्कारी जो सजा काट रहे थे न सिर्फ उनको छोड़ा गया बल्कि उनकी फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया। ये हैं इनके नारे, ये बेनकाब हो चुके हैं। ऐसे में एक नया नारा लेकर के आए हैं। एक तरफ इनके नारे हैं कटोगे पटोगे मंगलसूत्र छीन लेंगे भैंस खोल ले जाएंगे ढहा देंगे उल्टा लटका देंगे और एक तरफ हमारे नारे क्या है आइए नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। ये लड़ाई नफरत और मोहब्बत के बीच में है। सदियों से ये लड़ाई चली आ रही है।